हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिड्यूसिंग एजेंट नंबर 3, डेट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन में अगेन आपके रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट क्या होंगे, रिएजेंट क्या होंगे एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, उसको पहले मैंने दिखाया है कि आपका जो सबस्ट्रेट होगा अगेन अल्डिहाइड या कीटोन होगा। अल्डिहाइड मतलब सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होना चाहिए एंड कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। तो अल्डिहाइड या कीटोन आपका रिएक्टेंट होगा। रिएजेंट जो लेना आपको वो NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम लेना है, डैट मीन्स OH माइनस। एंड प्रोडक्ट अगेन यू विल गेट एल्केन, डैट इज सिंगल बॉन्डेड वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो आपको मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस रिएक्टेंट को, इस रिएजेंट को, इस प्रोडक्ट को कैसे आप याद रखेंगे। उसके लिए हमने सिंपल एक स्लोगन आपको दिया है जो अगेन चलते फिरते आप रहेंगे और दो चार मरतबा तो आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड मैंने कैसे उसको कनेक्ट किया, ध्यान से देखो, NH2 से मैंने बनाया नहीं नहीं, NH से नहीं नहीं, वुल्फ किशनर। तो वुल्फ वो साइंटिस्ट के नेम थे जिन्होंने ये बताया था। तो नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा, वुल्फ किशनर से हमने बना लिया, वुल्फ ने कृष्णा को मतलब सी डबल बॉन्ड ओ का प्रेजेंस होना मस्ट है। तो सी डबल बॉन्ड ओ को बोला मतलब बेस, बेसिक मीडियम, तो बी फॉर बेस, बी फॉर बोला। तो नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला, क्या बोला भाई, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, अकेला मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अगेन एल्केन, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो देखो स्लोगन बहुत ईजी है, नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला। ना तो क्वेश्चन इज कि सर करना क्या है वो बताओ ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा अल्डिहाइड या कीटोन वाला, उसको डबल बॉन्डेड ओ को आपको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है, रिप्लेस ऑक्सीजन बाय 2 हाइड्रोजन, एज इट इज वैसा ही है जो क्लीमेंसन रिडक्शन था। और यहाँ पे अब ये हो जाएगा वुल्फ किशनर रिडक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा WKR, वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो दोनों जो है वो भाई ही हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन, दोनों का सेम काम है, सेम रिएक्टेंट रिएजेंट सिर्फ चेंज, प्रोडक्ट सेम। तो डिफरेंट क्या है वो हम ज्ञान की बात में बात करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आपका अल्डिहाइड है, नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला। तो आपको करना क्या, वेरी सिंपल, जो चीज़ जैसे है वैसे लिख देना है। सी डबल बॉन्ड ओ की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन कर दो, 1 हाइड्रोजन पहले से था, आपका एल्केन बन के तैयार है। इस केस में भी इसको आपको CH3, इसको कुछ नहीं करना है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना हाइड्रोजन से और ये जैसे था वैसे ही रखना है। इस केस में भी आपको बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है, इस कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन था और 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं। इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सेम वही चीज़, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देना है, इस पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और आपका रह जाएगा CH3। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एसिड हैलाइड है और एसिड हैलाइड को ये कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो रिएक्शन। तो कहने का ये मतलब है कि ओनली अल्डिहाइड या कीटोन के लिए ही ये स्पेसिफिक रिएजेंट है और उसको कैसे याद रखना है ये हमने आपको बता दिया है। नाउ अब जाते जाते अगेन ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर सपोज करो आपको यहाँ से यहाँ जाना हो तो कौन सा आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, वुल्फ किशनर या फिर क्लीमेंसन। तो सपोज करो कि मैंने अगर ZnHgHCl डेट इज क्लीमेंसन लिया तो क्या होगा, और अगर मैंने वुल्फ किशनर NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम लिया तो क्या होगा। तो अगर आपने ये यूज किया तो डेफिनेटली फिर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बट अगर आपने ये यूज कर दिया तो एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है कि वो तो कीटोन तो आपके निकल जाएंगे लेकिन ये Cl की जगह ये OH आ जाएगा।
तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। आपको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्लेमेंसन रिडक्शन, बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो आप वुल्फ किशनर को यूज नहीं कर सकते, बट अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो वुल्फ किशनर को आप यूज कर सकते हैं, फिर आप क्लेमेंसन को नहीं यूज कर सकते। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है और क्लियर भी होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, डैट मीन्स OH को कुछ नहीं होना चाहिए, तो अब आप ZnHgHCl यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये यूज करेंगे तो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो OH हट करके आपका क्या लग जाता है, Cl। इससे एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है। अगर मैं इसकी जगह NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH माइनस ये यूज करूं तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब वही था ज्ञान की बात में कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपको कहां से कहां जाना है। अगर Cl को बचा के रखना है तो ZnHgHCl वाला यूज करना पड़ेगा, Cl को भी हटाना है तो फिर वुल्फ किशनर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे OH को बचाना है तो वुल्फ किशनर यूज करना पड़ेगा, अगर OH नहीं चाहिए तो फिर आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए और वुल्फ किशनर में बेस सेंसिटिव, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है और ये एसिडिक मीडियम में। तो आई होप आपको ये दोनों ट्रिक्स मेरे अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।